दोस्तों बहुत बार ना मेरे पास ये रिक्वायरमेंट आ चुका है कि दादा मुझे ना बेबी फिश चाहिए, छोटा फिश चाहिए, फ्राई चाहिए। अच्छा बात है, लेकिन आप लोगों को पता है कि एक छोटा सा फिश का बच्चे को कैसे बड़ा करना है, कैसे फीडिंग करना है? उसका अगर तबीयत खराब हुआ, इफ दे बिकेम सिक, तो उसको कैसे ठीक करना है? बहुत बार दोस्तों यहाँ पे गलती हो जाता है और इसके लिए मैं बहुत बार फेसबुक में स्पेशली देख चुका हूँ, छोटा छोटा फिश का बच्चा खरीद के लेके जाता है, फ्राई बोलिए, बेबीज बोलिए, उसको ठीक से मेंटेन नहीं कर पाता है, जिसके वजह से वो छोटा फिश मर जाता है। हम लोग फेसबुक में फिर बहुत सारे सजेशन मांगते हैं कि मेरा फिश ऐसा कर रहा है, मैं दो दिन पहले लाया, ये खाना नहीं खाया, ये टैंक में उलट गया है, क्या करूँ। वो सजेशन बहुत कोई देते रहता है, उसमें से बहुत सारे सजेशन सही भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे वो फिश को हम लोग बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग ये बेबी फिश या फिर फिश का एकदम जो फ्राई होता है उसको लाने से पहले उसको कैसे रखना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, वो हम लोग बिना जाने ही परचेस कर लेते हैं और रिजल्ट तो हम लोगों के सामने ही है। सो दोस्तों आज का ये वीडियो उसके ऊपर होने वाला है। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू परचेस बेबी फिश और छोटा फिश और वो फ्राई, तो वो सब ये वीडियो देखिए, एंड तक देखिए। और ये चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहता है। बेबी फिश का ये जो रिक्वायरमेंट है, ये अलग अलग कस्टमर्स का अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है। कोई डिस्कस का एकदम छोटा साइज 1.5-2 इंच का लाता है, कोई अरवाना का लाता है, तो कोई दूसरा किसी फिश का। लेकिन ये फिश लाने से पहले हम लोगों को सबसे जो चीज का एक्सपीरियंस होना जरूरी है वो है ये फिश को कैसे या कौन सा चीज फीड करना चाहिए, इसका फीडिंग हैबिट क्या है। इसका अगर तबीयत खराब होता है कोई भी रीजन से, उसको मैं अभी बताऊंगा, तो मैं इसको क्या ट्रीटमेंट करूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन इस पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रहता है कि वो छोटा फिश मैं लाऊंगा और मेरे टैंक में वो 2 इंच का, वो 1.5 इंच का, वो 3 इंच का फिश को मैं बड़ा करूंगा। आपका जो ये विश है ना, इसमें कोई गलती नहीं है, एकदम ठीक है। दोस्तों अच्छे से सुनिएगा, क्यों आपका वो फिश लॉस हो जाता है, वो एक्सपायर कर जाता है, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो रीजन है, हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक बेबी फिश को, एक छोटा फिश को, एक फिश का बच्चा जो हम लोग लाते हैं उसको क्या फीडिंग करवाना चाहिए। हम लोग तो खरीद के लाते हैं, कभी कभार पूछते ही नहीं ये क्या खाता है। और सबसे बड़ा बात है, वो जब एक गैदरिंग में रहता है ना, एक ग्रुप में रहता है, उसको जब भी आप अलग कर रहे हो वो डर जाता है। अब आप उसको अकेले रख रहे हो, वो डर के 1-2 दिन नहीं खाना खाएगा, लेकिन आप लोग क्या सोचोगे, शायद ये फिश का तबीयत खराब है या इस फिश को वो खाना पसंद नहीं है, तो आप लोग क्या करते हो, अलग अलग फूड ट्राई करते रहते हो, ये बिना जाने कि उसका एग्जैक्ट डाइट क्या है, वो क्या डाइजेस्ट कर सकता है और वो क्या डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। हम लोग बहुत बार यहाँ पे ये गलती कर देते हैं और अल्टीमेटली वो फिश खाना ही नहीं पकड़ता है, फीडिंग नहीं स्टार्ट करता है और बिना खाए वो फिश मर जाता है। अभी फीडिंग का जो मैटर बताया, ये वन ऑफ द ग्रेट इशू है, लेकिन उसके साइड्स में और भी बहुत सारा इश्यूज है जिसके वजह से आपको वो बेबी फिश सर्वाइव नहीं कर पाता है। क्या रीज़न है, हम लोग तो बेबी फिश लाते हैं लेकिन कभी कभी देखते हैं आफ्टर वाटर चेंज उसको प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर चेंज कैसे करना है, वो छोटा है। अगर वाटर चेंज करने के टाइम हम लोग टेम्परेचर का ध्यान ना रखें तो उसको ठंडा लग सकता है, उसके वाइट स्पॉट हो सकता है, हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, छोटा फिश है। और सबसे बड़ा बात है, अगर वो छोटा फिश का ना तबीयत भी खराब हुआ, वो छोटा है तो उसका इम्यूनिटी पावर भी कम है, वो उतना दिन सस्टेन नहीं कर पाएगा जो एक बड़ा फिश कर पाता है। अगर कोई बड़ा मछली को, बड़ा फिश को तबीयत खराब हुआ, उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ, सो दे गिव सम टाइम, वो आपको कुछ समय देगा, कुछ टाइम देगा उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन एक छोटा फिश हुआ, जैसा होता है ना,
एक छोटा बच्चा उसका इम्यूनिटी पावर जितना है, एक उससे 10 साल उम्र में जो ज़्यादा है उसका इम्यूनिटी पावर उससे 10 टाइम्स डबल होगा। सेम फिश का भी यही साइकोलॉजी है। अगर आप एक छोटा फिश रख रहे हो और उसको अगर ठीक से टेम्परेचर ये सब वगैरह अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो वो आपको टाइम नहीं देगा ट्रीटमेंट का। और बहुत बार क्या हुआ है, ट्रीटमेंट में भी हम लोग गलती कर देते हैं। जैसा देखते हैं हम लोग फिश थोड़ा तबीयत खराब है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये वो ऐड कर देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये ट्रीटमेंट उसके लिए परफेक्ट है या नहीं। दोस्तों बहुत बार ऐसा भी हुआ है जो पावर फिल्टर है ना उसका फ्लो के वजह से फिश को ठंडा लग जाता है, फिश बीमार हो जाता है। कौन सा फ्लो, चलिए दिखाता हूँ। ये फ्लो कभी कभी आप अगर स्मॉल फिश लेके जा रहे हो, आप अगर सॉफ्ट वैरायटी का फिश लेके जा रहे हो तो ये फ्लो आपके टैंक में एकदम नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे हम लोग दोस्तों कभी कभी गलती कर देते हैं ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, हम लोग वो छोटा फिश को ले जाके ऐसा कम्युनिटी में डाल देते हैं जो कम्युनिटी में वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। और सफ़र कौन करेगा, वो छोटा सा बेबी फिश। तो वीडियो तो यहाँ पे एंड करूँगा, लेकिन मुझे पता है ये जो स्टोरी है ये अभी एंड नहीं होने वाला। ये वीडियो को आप जितना चाहे उतना फैलाइए कि जो लोग बेबी फिश या वो एकदम छोटा बच्चा जो फ्राई होता है वो सब खरीदने के प्लानिंग में है, वो ज़रूर जान ले कि वो फ्राई को या वो छोटा सा फिश का जो बेबी है उसको कैसे सही से रखना है कि वो बिना खाए या आप लोगों की गलती के वजह से, टेम्परेचर फ्लैक्चुएट होने के वजह से या दूसरा किसी रीज़न से मर ना जाए। इसका पूरा ध्यान रखिए दोस्तों, इसके लिए इस वीडियो को फैलाइए। और अशोक एक्वाफिश का अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हम लोगों के साथ रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ाइए। मिलता है दूसरे किसी वीडियो में, सबाई को भालो थाकबेन, थैंक यू वेरी मच।